यस हाँ भाई, गुड इवनिंग। चलो भाई, सारे जने लाइक एंड शेयर कर दो। आज भी उसी तरह आप एक इंटरेस्टिंग जो टॉपिक लवेंगे। यस चलो, हूँ पहला पॉइंट आ जाऊगा। आप पढ़ रहे हैं रजे, सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड पढ़ांगे, सिगमंड फ्राइड। ठीक है, आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ आनी चाहिए थी भी। सही है, आवाज आ रही है भाई, आवाज आ रही है। यह सुखमनदीप कौर। हाँ आ रही है, आ रही है, आ रही है। हाँ चलो, ओके ओके, थैंक यू भाई। तो कल आप डिस्कस। हाँ यस, ए टी शर्ट। सिगमंड फ्राइड काफी लंबा टॉपिक है, इधर आप पता की पढ़ना। एक तो सिगमंड फ्राइड नू की कहने आप फादर ऑफ साइको अनालिसिस स्कूल बोलते हैं अपन। साइको अनालिसिस स्कूल बोलेंगे, फादर ऑफ साइको अनालिसिस स्कूल। साइको अनालिसिस स्कूल का फादर बोलते हैं अपन एक। ठीक है भाई, फिर अपा दूसरा पॉइंट की करांगे। इधर थ्योरी है, इधर थ्योरी जब आप की पढ़ते हैं, एक साइको अनालिसिस थ्योरी है। साइको अनालिसिस, साइको अनालिसिस थ्योरी बोलेंगे पर साइको अनालिसिस थ्योरी है ये। फिर तीसरा की पॉइंट हो जाएगा एदा, इन्हें साइको सेक्सुअल स्टेजां दसियां। साइको सेक्सुअल स्टेजेस दसी इन्हें, साइको सेक्सुअल स्टेजेस। यस भाई, फ्रोबेल। ओहो सुखमनदीप कौर, एक कोई क्वेश्चन आया सीगा फ्रोबेल दा राजे। किंडरगार्टन मेथड है फ्रोबेल दा, किंडरगार्टन मेथड दा यही सीगा क्वेश्चन। हाँ वो मैं करवा दूंगा, वो ना मेथडोलॉजी करवाऊंगा, उस करवा दूंगा। मारिया मोंटेसरी भी है, प्रोबेल भी है, पेस्टालोजी भी है। जो तेरा पेपर आ गया ना, पेपर आ गया मतलब पेपर का नोटिफिकेशन आ गया, नोटिफिकेशन आते ही आप सारा डिस्कस कर लांगे। ठीक है, हाँ भाई। अच्छा दिन च क्लास लगाया करिए, ठीक है राजे, देखते हैं कल दिन च लगा लांगे। फिर अपन नेक्स्ट की करांगे, साइकोसेक्सुअल स्टेजेज हैगी है ये, फाइव टाइप दी, पांच तरह दी, फाइव साइकोसेक्सुअल स्टेजेज है, फाइव टाइप्स दी साइकोसेक्सुअल स्टेजेज दस रही है। फिर इस तो बाद जो सिगमंड फ्राइड की गल करते हो, तो सिगमंड फ्राइड ने एक वर्ड यूज किया ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म वर्ड यूज किया, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म वर्ड भी यूज किया, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है भाई, हाँ यस वेरी गुड भाई। चलो अपना सिगमंड फ्राइड पढ़ांगे, सिगमंड फ्राइड बारे डिस्कस करते हैं, है ना। चलो अपना सिगमंड फ्राइड, सिगमंड फ्राइड पता की कह रहे हैं, साइको अनालिसिस स्कूल दे विच, साइको अनालिसिस जिहड़ा स्कूल है इहदे विच सिगमंड फ्राइड की कह रहे हैं वो आप देखते हैं। ये कह रहे हैं कि कोई परसन है वह बिहेवियर, यानी कि बिहेवियर क्यों करेगा, वो व्यवहार के पिछे, वो बिहेवियर के पिछे की है, वो नीड्स एंड डिजायर्स दस रहे, नीड्स एंड डिजायर्स। ये कह रहे हैं कि अपनी नीड्स एंड डिजायर्स होगी, नीड्स एंड डिजायर्स करके कोई परसन बिहेवियर करेगा। हुण नीड्स एंड डिजायर्स की जो गल करते हो, तो आप लिखांगे कि नीड्स एंड डिजायर्स नू किन्नी तरह वंडदे हैं, नीड्स एंड डिजायर्स। तो नीड्स एंड डिजायर्स दो तरह की नीड्स एंड डिजायर्स करांगे आप गल। एक नीड्स एंड डिजायर्स दस रहा है ईरोज, एक नीड्स एंड डिजायर्स दस रहा है थानाटोस। यानी कि दो तरह की नीड्स एंड डिजायर्स दस रहा है, एक तो ईरोज दस रहा है, एक थानाटोस दस रहा है भी। ठीक है, एक नीड्स एंड डिजायर्स हो जूगी ईरोज, एक हो जूगी थानाटोस। ईरोज वाली जी नीड्स एंड डिजायर्स है, इन आप बोलेंगे लाइफ इंस्टिंक्ट बोलेंगे। ये लाइफ इंस्टिंक्ट, लाइफ तो जुड़ी हुई है, लाइफ इंस्टिंक्ट हैगी है, लाइफ इंस्टिंक्ट। थानाटोस जी हैगी है ये की हो जूगी, ये डैथ इंस्टिंक्ट हो जूगी भी, इन डैथ इंस्टिंक्ट बोल देंगे। एक तो लाइफ इंस्टिंक्ट होगी, एक हो जूगी थानाटोस डैथ इंस्टिंक्ट। मतलब ये की है वो सारी, इतने भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो थानाटोज की होगा, इरोज की होगा, थोड़ा जा देख लियो।
हाँ नॉट ऑल इरोज से मतलब जी लाइफ वाल लैके जा रही है तुम पढ़ रहे हो ये तो इरोज हो जूगी मतलब नवे कुछ भी मकान परचेज कर रहे हो पढ़ रहे हो स्टडी कर रहे हो कार लै रहे हो ये सारिया चीज़ा इरोज से आ जाती हैं। इरोज वाली चीज़ा जीडिया हो की हो गया अपन लाइफ वाल लैके जाए थानाटोज वाली चीज़ा जीडिया की हो गई वा जिमें ईर्ष्या हो गया क्रोध हो गया घृणा हो गया ये सारिया चीज़ा अपन डैथ वाल लैके जाए ठीक है। तो डैथ जिमें गुस्सा हो गया तो आप देखे ही होना गुस्से दे विच की है मान लो गुस्सा आ गया किसी बंदे नू ते गुस्से दे उन्हें की किया किसी का सिर पाड़ता तो उत्ते की हो जूगा वो थाने चल जूगा उन्होंने आप थाना टोज बोल देंगे थाने चल जूगा थाने चल जूगा तो फिर की हो जूगा परचा बन जूगा 26 का तो फिर 26 साल की कुंवारी बैठी तेरे करके है ना मुंडे उत्ते कई चल दिया कई 26 तो यह हो जूगा काम थाना टोज वाला तो थाना टोज की हो जूगा डैथ इंस्टिंक्ट समझ आ गई गल इन्हां दे विच की होगी जिहड़ी ईरोज है इहदे विच होजूगा एक लिबिडो आऊगा लिबिडो 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 एक ईरोज दे विच आने वाली इंस्टिंक्ट है लिबिडो बोलांगे लिबिडो यस गुड इवनिंग गौरव हाँ लिबिडो की होजूगी लिबिडो कादे च आऊगी लिबिडो आजूगी ईरोज दे विच हुण आपां गल करदे हां लिबिडो की होगा तो लिबिडो आजूगा लिबिडो की गल करते हो तो लिबिडो वास्ते वर्ड यूज करता है सैक्सुअल डिजायर्स वास्ते जिहड़ी सैक्सुअल डिजायर्स है उहदे वास्ते जिहड़ा वर्ड यूज करता है वह आ जाऊगा लिबिडो सैक्सुअल डिजायर्स वास्ते वर्ड यूज करता है लिबिडो ठीक है। इन्नी गल समझ आ गई इरोज समझ आ गया थानाटोज समझ आ गया हाँ IPS 26 लग जूगी 426 लगेगी 326 लग जूगी बस हाँ एक ही हो जूगा एक आ जूगा लिबिडो लिबिडो सैक्सुअल डिजायर्स वास्ते यूज करता है लिबिडो की हो जूगा एक तरह की ईरोज है ईरोज दे विच आऊगी लाइफ इंस्टिंक्ट है ना लाइफ इंस्टिंक्ट हो जूगी जदों की मेरी लाइफ तेरी लाइफ हुई मैनू मेरी लाइफ लगती है खंड वर्गी गीत सुने होना जी हाँ फोन खराब होने करके तुम आवाज नहीं आ रही होनी वैसे तो आवाज सही आ रही है तो एक तो आप की करांगे एक देख लो तुसी आपां की पढ़ना है एक तो ईरोज थानाटोज ते आ वाली चीज़ा पढ़नियाँ ईरोज पढ़ लिया थानाटोज आ वाला पढ़ लिया फिर आपां की करांगे दूसरा पॉइंट आपां करदे आ एक ने गल की है ईड ईगो ते सुपर ईगो की एक इंस्टिंक्ट होगी ईड एक आजूगी ईगो एक आजूगी सुपर ईगो यानी कि तीन तरह की इंस्टिंक्ट तुहानूं देखण नूं मिलेगी ईड आजूगी ईगो आजूगी सुपर ईगो आजूगी ये जिहड़ा बच्चे का बिहेवियर है पहले ईड ते ईड 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 होगी छोटे बच्चे फिर ईड तो ईगो च आऊगा फिर तीसरे पॉइंट से सुपर ईगो च आजूगा यानी कि पहले ईड च होगा फिर ईगो च आजूगा फिर सुपर ईगो च आजूगा ईड की करांगे ईड ईड नूं आपां वाइल्ड इंस्टिंक्ट बोल देंगे वाइल्ड वाइल्ड इंस्टिंक्ट बोल देंगे वाइल्ड इंस्टिंक्ट जंगली प्रवृत्ति है ईड ईड जिहड़ी कि थ्योरी ते काम करूगी ये किस नूं पूछा जा सकता है डिटेल नाल करांगे ईड प्लेजर थ्योरी ते काम करूगी ईड की करूगी प्लेजर थ्योरी ते काम करू इन बारे आप डिटेल नाल डिस्कस करा ईगो की है ईगो नूं आपां परसनैलिटी का पोलिशमैन कहना कहोंगे पोलिशमैन होजूगा अपनी परसनैलिटी का इहदी थ्योरी की होजूगी ये रियलिस्टिक थ्योरी ते काम करूगी रियलिस्टिक थ्योरी ते काम करूगी इहदी थ्योरी रियलिस्टिक होजूगी वास्तविकता दे सिद्धांत ते काम करूगी फिर आजूगी सुपर ईगो की है सुपर ईगो आप मोरल कमांडर कह देंगे अपनी परसनैलिटी का मोरल कमांडर हो जूगा मोरल कमांडर बोलेंगे आप मोरल कमांडर परसनैलिटी का मोरल कमांडर ये की होजूगा ये आइडियलिस्टिक थ्योरी पर काम करूगी आइडियलिस्टिक थ्योरी पर काम करूगी आइडियलिस्टिक थ्योरी ठीक है ये की होजूगी साधवी प्रवृत्ति होजूगी साधुआ जिवें हुंदी है वह प्रवृत्ति देखने को मिलेगी सुपर ईगो मोरलिटी के काम ठीक है मोरलिटी का काम करूगी रियलिस्टिक थ्योरी हुण आपां गल करदे हां पहले छोटे बच्चे च की होगी ईड होगी ईड तो फिर कित्थे जाऊगा ईगो ते जाऊगा ईगो तो फिर कित्थे जाऊगा सुपर ईगो ते जाऊगा छोटे बच्चे का अगर डिवेलपमेंट करदे हां तो आपां एवें देखांगे ईड ईगो ते सुपर ईगो ऐ तां नूं होगा ठीक है भी सत श्री अकाल सारिआं नूं सरबजीत कौर छोटे बच्चे का डिवेलपमेंट जिहड़ा है पहले ईड फीगो ते सुपर ईगो वल तां नूं जाऊगा ठीक है नैक्सट पॉइंट हुण आपां नैक्सट करते हैं कि ईड की होगी ईड दे विच किस तरह की नीड्स एंड डिजायर्स देखने को मिलेगी ईगो दे विच किस तरह की नीड्स एंड डिजायर्स होगी तो हाँ यस भाई देखते हैं ईड की होगा ईड वाला आपां उही बना लैंदे हां तीन
यस मैं नाम लिखने फटाफट नाम दस दो नाम लिखूंगा भी मैं तीन नाम लिखने एक ईड आजूगा ईगो आजूगा तो सुपर ईगो आजूगा तीन कुड़िया के नाम लिखा आप ठीक है गर्ल्स नाम दस दो मैं फटाफट एक च ईड लिखूंगा एक च ईगो लिखूंगा एक च सुपर ईगो लिखूंगा ठीक है ईड ईगो सुपर ईगो तीन तिने नाम दस दो फटाफट दस दो किदे किदे लिखने नाम दस दो किदे किदे लिखा यस हाँ भाई नहीं कुड़िया के नाम ले सुखमन दीप कौर कुलविंदर कौर सुखमनदीप कौर कुलविंदर कौर होर नाम दसो एक तीसरा नाम सुखमनदीप कौर हो गया कुलविंदर कौर हो गया तो होर वीरपाल कौर यस एक नाम रख देने आप है भी वीरपाल ये होजूगी वीरपाल कौर यह होजूगी सुखमनदीप कौर तो यह होजूगी कुलविंदर कौर कुलविंदर कौर ठीक है ये तीनों हो गया ये तीनों पति की है हाँ भाई नवजोत वीरपाल कौर चलो हूँ लिखता रहे चलो आप देखते हूँ नैक्सट आप नैक्सट कोई ना रोज मैं नाम ही लिखदा तो कोई गल नहीं कि कल क्लास लगाओ कल आप देख ही लाँगे कल दोबारा लिख लाँगे चलो हूँ आप गल करते हैं ये जी वीरपाल कौर है ये ईड हावी है ये तो सुखमनदीप कौर तो ईगो हावी है ईगो ज़्यादा है ये तो की है सुपर ईगो ज़्यादा ठीक है ये तीन चीज़ा है मतलब वीरपाल कौर सुखमनदीप कौर तो ये तीन सहेलियां भी तीन गई घूमन तीन की है मतलब कित भी इन्होंने सैर कर गई घूम गई कित भी पार्टी मतलब जिते कित गई ठीक है तो इन्होंने की किया हाँ की है अच्छा विक्रम बिश्नोई यार ऐसे ना करेगा चलो भी आप गल करते ई डीगो सुपर ईगो हूँ इन्होंने सुखमनदीप कौर रोटी लैके गई बाकी ये दो रोटियां नहीं लैके गई ये सुखमनदीप कौर तीन परौंठे लैके गई ये को रोटी सी टिफिन के तीन परौंठे लैके गई तो बारह बजे जो घूम गए तो इन्हों की होजूगा बारह बजे इन्हों की होजूगा भुख लग गई तो आप गल करते वीरपाल कौर वीरपाल कौर न की है जो भुख लगी तो ये आ गई टिफिन के कोल ये हजे घूम ही रही कि पार्क पूर्क घूम रही जो भी है ठीक है तो आप की करा भी इन्हें वीरपाल कौर ने की देखा भी ये तीन परौंठे है टिफिन के अपन तिना भुख लगी है ये आऊगी तो की करूगी ये तीनों के तीनों परौंठे खा जाऊ ठीक है फटाफट खा जाऊगी भी एक दूसरिया देख ना लैन एक फटाफट मूँह च बनाया दो लपेट चीके तो भज जूगी ये की होजूगा ईड ईड के देखो तुम्हें की देखने को मिलेगा ईड के सिर्फ आप अपनी नीड्स एंड डिजायर्स पूरी करांगे जिदे विच ईड होंदी है वो की करता है अपनी सिर्फ अपनी नीड्स एंड डिजायर्स बारे सोचता है अपनी नीड्स एंड डिजायर्स बारे सोचूगा तो अपनी नीड्स एंड डिजायर्स जो पूरा करने की कोशिश करेगा तो वह पूरा करने कोई दायरे को फॉलो नहीं करेगा जिहड़ी नीड्स एंड डिजायर्स होगी उन्हें पूरा करने वास्ते कोई पैरामीटर फॉलो नहीं करेगा कोई भी दायरे को फॉलो नहीं करेगा ये होजूगा तुहाडा ईड होजूगा समझ आ गई गल ईड की थ्योरी की होजूगी प्लेजर इवें काम करके अपन खुशी भी मिलती है कुछ देखा होना क्लास से बैठे बैठे कहीं अगले अगे वाले प्रकार मारी है कई बार अगर अगे वाले पेन मार दें कई तुम जो कई आज तो पाँच दस साल पहले बल्ब लगे होंगे सके किसी ने बट्टा मार के किसी का बल्ब फोड़िया किसी बैल बजा के भजे वो सारे ईड वाले काम है ईड वाले काम के आप करते ईड वाले काम करके ना अपन खुशी मिलती है होर कुछ नहीं तो यह की होगा ईड के सिर्फ आप अपनी नीड्स एंड डिजायर्स पूरा करांगे नीड्स एंड डिजायर्स पूरा करने वास्ते अपने कोल की होगा कोई पैरामीटर कोई दायरा नहीं होगा आप अपनी नीड्स एंड डिजायर्स बारे सोचांगे पूरी कर ली कोई पैरामीटर कोई दायरा नहीं होगा यस फिर आप दूसरा करते भी इसनों रिप्ले कर देने इसको रिप्ले करांगे तो की होजूगा ये अपना ले लें सुखमनदीप कौर सुखमनदीप कौर के कोल की है ईगो है भाई ये कोई ईगो है हाँ सोनू आप करते हैं राजे एक मिनट करते हैं तेरे गल करते हैं है ना हाँ ओके सोनू करते हैं आप हाँ ये थ्योरी कर रहे हैं हरप्रीत कौर आप थ्योरी कर रहे हैं कि सिगमंड फ्राइड की ईड ईगो तो सुपर ईगो कर रहे हैं सिगमंड फ्राइड की ईड ईगो तो सुपर ईगो कर रहे हैं फिर आप दूसरा की होजूगा राजे दूसरा पॉइंट होजूगा ईगो ईगो की जो गल करो तो सुखमनदीप कौर च ईगो है
ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਆਈ ਆਪਾਂ ਰਿਪਲੇ ਕਰਤਾ ਸੁਖਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਆਈ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਆਈ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਹੈਗੀਆਂ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੀ ਫਰੈਂਡ ਆ ਆਪਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਇਹ ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਤਿੰਨ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਚੱਕ ਕੇ ਖਾ ਲੂਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਦੂਗੀ ਯਾਨੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਨੀਡਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨੀਡਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨੀਡਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਾਇਰੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੀਡਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨੀਡਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਹੋ ਜੂਗੀ ਈਗੋ ਈਗੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਦਾਇਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਨੀਡਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਇਹ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਈਗੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਸੁਪਰ ਈਗੋ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਹੀ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਤਿੰਨ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਨਹੀਂ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਰਪਾਲ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਇਹ ਖਾ ਲੈਣ ਜੇ ਬੱਚੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾਊਂਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਪਰ ਈਗੋ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਸੁਪਰ ਈਗੋ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨੀਡਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੂਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਨੀਡਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੀਡਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਨੀਡਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ 0% ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੀਡਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ ਈਡ ਈਗੋ ਤੇ ਸੁਪਰ ਈਗੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਈਗੋ 'ਤੇ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰ ਈਗੋ 'ਤੇ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਈਡ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਈਗੋ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਈਗੋ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਊਗਾ ਈਡ ਈਗੋ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਈਗੋ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਈਡ ਈਗੋ ਸੁਪਰ ਈਗੋ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਂ ਸੁਪਰ ਈਗੋ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਬਈ ਥਿਊਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਈਡ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਈਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਜੂਗਾ ਈਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਪ੍ਰਵਰਤੀ ਦੇ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪਣੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਈਗੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਆਪਣੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਈਗੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਈਗੋ ਨੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੁਪਰ ਈਗੋ ਦੀ ਅਤੇ ਜੇ ਸੁਪਰ ਈਗੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੁਪਰ ਈਗੋ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੂਗਾ ਸੁਪਰ ਈਗੋ ਵਾਲਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਗਮੰਡ ਫਰਾਇਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸਟਾਰਟ ਸਿਗਮੰਡ ਫਰਾਇਡ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਲੰਬੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਚੱਲੂਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਕਲਾਸ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਜੇ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਲਗਾਇਆ ਕਰੋ ਰਾਜੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸ ਲਗਾਇਆ ਕਰੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜੂਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਕਲਾਸ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਲਾਸ ਲਗਾਓ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਲਾਸ ਪੇਪਰ ਦਾ ਕਦੋਂ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦਾ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਏ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹ ਐਟ ਦਾ ਰੇਟ ਸਾਈਕੋ ਸਰਜੀਤ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਇਹਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਹੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪਾਰਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਈਗੋ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਈਗੋ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹਾਂ ਕਲਾਸ ਲੰਬੀ ਲਗਾ ਦਈਏ ਲੰਬੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸ ਯੈਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਾਜੇ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਆਈਡੀਆ ਪੇਪਰ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਰਾਜੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਪੇਪਰ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ ਹਾਂ ਪੇਪਰ ਜਦੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਤਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਪੇਪਰ ਹੋ ਜੂਗਾ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੀ ਓਕੇ ਚਲੋ ਇਹ ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਹੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਾਂ ਚਲੋ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ ਈਡ ਈਗੋ ਸੁਪਰ ਈਗੋ ਆਪਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ
साइको सेक्सुअल स्टेजेज, साइको सेक्सुअल स्टेजेज करा देना मैं तो, साइको सेक्सुअल स्टेजेज। साइको सेक्सुअल स्टेजेज जड़ी है वो देखो केड़ी केड़ी है। साइको सेक्सुअल स्टेजेज की गल करते हो तो पांच तरह की साइको सेक्सुअल स्टेजेज की गल करांगे आपां, तीन चार ते पांच, पांच साइको सेक्सुअल स्टेजेज है। साइको सेक्सुअल स्टेज पहली की होगी, पहली नूं आपां बोल दांगे द ओरल स्टेज, द ओरल स्टेज बोल दांगे आपां, ओरल स्टेज। ये जीरो तो लैके एक साल तक होएगा द ओरल स्टेज। ये बाद च मैं एज लिखी है, यस गुड इवनिंग भी, तो पहले की है ओरल स्टेज आपां लिखता, ठीक है। हाँ फिर आपां दूसरा की करांगे, दूसरा हो जूगा द एनाल स्टेज, एनाल स्टेज बोल देंगे, एनाल स्टेज। ये हो जूगी दो तो लैके चार साल तक, द एनाल स्टेज हो जू। फिर की करांगे, तेरा नहीं जीरो तो लैके एक साल ही करो, दो साल ना करो, एनाल स्टेज। एनाल स्टेज तो बाद आपां की कर देंगे, तीसरी स्टेज आ जूगी द फैलिक स्टेज, फैलिक स्टेज, फैलिक स्टेज हो जूगी चार तो लैके छे साल तक, फैलिक स्टेज हो जूगी। फिर आप नैक्सट की करांगे, चौथी हो जूगी द लैटेंसी स्टेज, लैटेंसी स्टेज, लैटेंसी स्टेज हो जूगी छे साल तो लैके बारह साल तक। एक है पी स्टेट का, कोई भी बच्चा अगर पी स्टेट की स्पैशल मतलब कोचिंग अगर लेना चाह रहा ऐप से तो ऐप परचेज कर लो रजे, या तुसी गूगल पे करके तो सानू मैसेज भेज सकते हो। कई बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, मैं तुम्हें थोड़ा जहा दस देना स्टेजेस करने तो बाद कि कई काफ़ी सारे बच्चे जिन्हों के मैसेज आ रहे हैं कि सानू असी जी ऐप परचेज करना है, ऐप से क्लासेस लगानी है, तो या तो तुसी ऐप परचेज कर सकते हो। पी स्टेट का जो बैच है 999 का ही, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 999 का असी बैच स्टार्ट कर रखे, सिर्फ 999 है। ये तो मतलब पेपर पास कराने तक दी पहले देखो डेली क्लासा लगदियाँ, तो सारिया क्लासा डेली लगदियाँ। ये जो पेपर मतलब आऊगा, मतलब टैसट भी अपना लवेंगे, तो पेपर जो भी आ गया तो तुम पेपर तो तीन चार दिन पहले वधिया सारी रिवीजन कंप्लीट करा देंगे। तो क्लासा जिहड़ियां कोई भी बच्चा होर भी तुहाडा जानकार कोई भी बच्चा अगर ज्वाइन करना चाहे तो सरजीत क्लासिस, सरजीत क्लासिस ऐप जिहड़ा है वो तुसी परचेज कर सकते हो पी स्टेट वास्ते। पी स्टेट वास्ते देखो नोटिफिकेशन कदे भी आ सकता, तो ये सारे बच्चे तुसी मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ, ਹਾਂ ਫਰੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਰਜੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਐਪ ਪਰਚੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਵੀ ਕਲਾਸਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਐਪ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਵੀ ਪਰਚੇਜ ਕਰ ਹੀ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਲੋ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਪ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ EVS ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀ ETT, ਜਿਹੜਾ ETT ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ETT ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ EVS ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਗੂਗਲ ਪੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਪੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੂਗਲ ਪੇ ਨੰਬਰ ਹੈ 7973623184। ये नंबर पर तुसी गूगल पे कर सकते हो 999,000 रुपये, तो गूगल पे करके तो इस नंबर पर तुसी व्हाट्सएप कर दो ना, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दो, तुहानू ऐड कर देंगे, ठीक है। ये नंबर तुसी दोबारा मैं लिख देना, की होगा 7973623184। ये गूगल पे नंबर तुसी गूगल पे नंबर भी कर सकते हो 999। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਲਾਸਿਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਵੈਸੇ ਸਹਿਯੋਗ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਜੂਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਲਾਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਚੱਲ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਨਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਲਾਸਿਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਪ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਉਹ ਪਰਚੇਜ ਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ।
अलग तो क्लासा दे रहे थे, ये वास्ते थोड़ा जहा चार्ज रखा से, ज़्यादा भी चार्ज नहीं रखा, ये नहीं है। तो ये देख सकते हो ये विलिंग है, मतलब कोई बच्चा, हाँ ये अलग तो क्लास है ना। फिर आप नैक्सट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं राजे, देखो की कर रहे थे आप, यस एक स्टेज देख लो, लास्ट स्टेज आप करांगे की होजूगी लैटेंसी स्टेज है, इस तो बाद आजूगी द जेनिटल स्टेज। जेनिटल स्टेज ये जी है, ये आप की है 12 साल तो लैके 18 साल उम्र होजूगी, यानी कि 5 स्टेजा है साइकोसैक्सल स्टेजेज करोगे। साइकोसैक्सल स्टेजेज सिगमंड फ्राइड की 5 हो, ठीक है। पहली ओरल आजूगी 0 तो लैके 1 साल तक, दूसरी एनाल स्टेज आजूगी 2 साल तो लैके 4 साल तक, तीसरी फैलिक स्टेज आजूगी 4 साल तो लैके 6 साल तक, चौथी लेटेंसी स्टेज आजूगी 6 साल तो लैके 12 साल तक, और नैक्सट आजूगी 12 साल तो लैके 18 साल जेनिटल स्टेज, ठीक है। एक होर तुम सुनो, जो पेपर पास करना मतलब पी स्टैट, कई हूँ काफ़ी बच्चे जोड़े है वो मतलब मायूस जो हुए बैठे हुए पी स्टैट पता नहीं कदों होगा। देखो पेपर ने तो आ ही जाना, ये तो बाद मास्टर कैडर भी आऊगा, तुम तैयारी कंटिन्यू रखा करो। मतलब तैयारी जे आप पढ़ रहे हैं, पढ़ना स्टार्ट किया विचाले छड़ता, फिर साडा अपना पहले वाला जोड़ा है सारा दिक्कत आ जूगी, पहले वाला जोड़ा पढ़िया वो सारा भुल जाएंगे। एक दिन पढ़ना छड़ दो तो फिर एक दिन च ही काफ़ी सारी दिक्कत आ जाती, मतलब पहले वाला चीज़ भुल जाते हैं, तो इन्ना ज़्यादा गैप ना पाओ सारे बच्चे जोड़े है। हाँ चलो हूँ आप नैक्सट पॉइंट कर रहे हैं, ये होगी स्टेजेज, तुम्हें पता ही है ये देख लो एक एक स्टेजेज आप करा, इस तो बाद आप पढ़ना, इस तो बाद आप पढ़ा ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म यूट्यूब पर मैं कराया नहीं अजे तक, ठीक है। चलो आप नैक्सट पॉइंट कर रहे हैं, चलो हूँ आप पहला स्टेज एक एक स्टेज डिस्कस कर लें। पहली स्टेज आ जाऊगी, यह स्टेज मैं कल डिस्कस करा दा, स्टेज आप कल डिस्कस कर लें राजे, इस तो बाद हाँ स्टेज कोई ज़्यादा टाइम लगेगा तो देख लें, चलो स्टेज कर ही लें डिस्कस। आप पहला हो जूगा द ओरल स्टेज, द ओरल स्टेज। ओरल स्टेज के होगा एक होर आप देखते, तो लिबिडो एक वर्ड आप लिखा सी लिबिडो, ये जिहड़ियां स्टेजेज हैगी है सारिया स्टेजा के देखने मिलेगा, ये अलग अलग तरह की लिबिडो देखने को मिलेगी। मतलब एक बच्चा सैक्सुअल डिजायर्स, किस तरह की सैक्सुअल डिजायर्स इस स्टेज के पाई जाऊगी, किस तरह की सैक्सुअल डिजायर्स इस स्टेज के होगी, किवें बच्चा अपनी सैक्सुअल डिजायर्स फुलफिल कर रहा है। बच्चा जिवें अपनी सैक्सुअल डिजायर्स फुलफिल करेगा उस तरह का मतलब आप देखते हैं ये की होगा लिबिडो। हूँ आप पॉइंट कह रहा है कि ओरल स्टेज, द ओरल स्टेज की गल करते हैं, तो ओरल स्टेज के होगा लिबिडो जी है, लिबिडो का सेंट्रल पॉइंट की होगा, लिबिडो का सेंट्रल पॉइंट माउथ हो जूगा। माउथ मूँह तो आप बच्चा अपनी सैक्सुअल डिजायर्स पूरी करेगा, बच्चा अपनी हाँ मूँह तो अपनी सैक्सुअल डिजायर्स पूरी करांगे। मूँह तो सैक्सुअल डिजायर्स कैसे पूरी करेगा, जो बच्चा दुध पीण नाल अंगूठा चूसण नाल या इस तरह अपनी सैक्सुअल डिजायर्स पूरी करेगा। तो इतने लिबिडो का सेंट्रल पॉइंट कई बार पूछा जा सकता है कि ओल स्टेज बच्चे का लिबिडो का सेंट्रल पॉइंट केड़ा होगा, तो माउथ हो जूगा, मूँह हो जूगा, तो मूँह तो अपनी सैक्सुअल डिजायर्स पूरी करेगा। इतने बच्चे दो तरह के तुम्हें देखने मिलेंगे, एक तो ओरल एक्टिव बच्चा, एक आजूगा ओरल एक्टिव, ओरल एक्टिव, एक आजूगा ओरल पैसिव, ओरल पैसिव। जिहड़ा बच्चा ओरल एक्टिव है वो दंद आपस से दंदा नूं ऐ घसीड़दा है, तो इस तरह दी हरकतां करूगा। ओरल एक्टिव वाले जिहड़े बच्चे है ये की बनगे, अग्रेसिव बनते वड्डे होके गुस्सेखोर बनते। ओरल पैसिव वाले बच्चे जिहड़े है वो वड्डे होके की बनणगे, ये वड्डे होके शांत सुभाव दे बनते हैं। फिर आप एक होर डिस्कस करते हैं, एक पॉइंट तुसी देखोगे सिगमंड फ्राइड पता की कह रहा है, सिगमंड फ्राइड कह रहा है, सिगमंड फ्राइड की आप गल करते हैं, तो सिगमंड फ्राइड कह रहा है कि एक बच्चे की परसनैलिटी 5 ईयरस तक डिसाइड हो जाती है, 5 साल तक डिसाइड हो जाती है कि एक बच्चा वड्डा होके की बनेगा, हाँ अंगूठा चूसण नाल। शेयर कर दो भी, वाह वाह क्या बात विक्रम बिश्नोई, सारे शेयर कराया करो थोड़ा वीडियो नूं, ताकि हाँ फिर आप पता लग गया बच्चे की 5 साल तक एक बच्चा वड्डा होके किवें दा बनेगा, वो 5 साल तक डिसाइड हो जाता, 5 साल तक डिसाइड हो जाता, यानी कि उसकी परसनैलिटी 5 साल तक डिसाइड हो जाती।
फिर अपन नेक्स्ट पॉइंट ते करिए, ओरल स्टेज हो गया, ओरल स्टेज तो बाद अपन दूसरी कर दें द एनाल स्टेज। द एनाल स्टेज, जे एनाल स्टेज की गल करते हो एज 2 साल तो लेके 4 साल तक हो जूगी। बच्चे की लिबिडो का सेंट्रल पॉइंट की होगा, लिबिडो का सेंट्रल पॉइंट की होना, देखो इतने एनाल रीजन हो जूगा, एनाल रीजन। एनाल रीजन केड़ा होगा, बच्चा हुण इतने लैटरिंग जाने पेशाब करने अपनी सक्सल डिजायर्स पूरा करेगा, जो लैटरिंग जा रहा है यूनियन पास कर रहा है तो पेशाब करता है तो उदों अपनी सक्सल डिजायर्स पूरी करता है, ये लिबिडो का सेंट्रल पॉइंट एनाल रीजन हो जूगा। ठीक है, फिर आप तीसरी गल करते, तीसरा पॉइंट आ जूगा अपना द फैलिक स्टेज। इतने क्वेश्चन बनेगा द फैलिक स्टेज, फैलिक फैलिक स्टेज बोल देंगे आप, द फैलिक स्टेज। द फैलिक स्टेज 4 साल तो लैके 6 साल की उम्र हो जाए, 4 साल तो लैके 6 साल तक की उम्र है ये फैलिक स्टेज हो जाए। फैलिक स्टेज दे विच तुसी की देखोगे, बच्चे दे विच हुण एक होर थोड़ा जिहा पॉइंट है, 4 साल तो छोटे बच्चे नूं अपने जेंडर बारे सैक्स बारे नहीं पता होता, 4 साल तो छोटे बच्चे नूं सैक्स बारे जेंडर बारे पता नहीं होगा। इहदे च आपां जेंडर आइडेंटिटी जिहड़ी है वह जेंडर लैवलिंग है, जेंडर आइडेंटिटी है वह कोलबर्ग ने दसी, वह डिस्कस करांगे आपां। ठीक है, फिर आपां की करांगे, हाँ इनू, हाँ लिंग अवस्था बोल देंगे 4 साल, बच्चे नूं अपने जेंडर बारे पता लग जूगा, बच्चे नूं अपने जेंडर बारे नॉलेज आ जूगी 4 साल तो लैके 6 साल तक के बच्चे। हुण इत्थे देखदे आपां, इत्थे 2 तरह की टेंडेंसी बच्चों से देखने को मिलेगी, एक आजूगा इलैक्ट्रा, इलैक्ट्रा टेंडेंसी देखने को मिलेगी, एक आजूगा ओडीपस, एक ओडीपस वाली टेंडेंसी देखने को मिलेगी। 2 तरह की जिहड़ी ओडीपस है वह किहदे विच पाई जाऊगी, भी ओडीपस बॉयज़ दे विच पाई जाऊगी। इलैक्ट्रा किहदे विच पाई जाऊगी, इलैक्ट्रा गर्ल्स चाइल्ड, जिहड़ी गर्ल्स चाइल्ड है इहदे विच पाई जाऊगी। ये हो जूगी 4 साल तो लैके 6 साल तक फैलिक स्टेज, जेंडर बारे पता लग जूगा। तो ओडीपस, ओडीपस बोयज याद करने का तरीका जिस देखते हो तो बी ओ वाई, ओ नू ओ नाल लिंक कर दोगे बोयज दे विच। ये है कि यह है एक तरह की जेंडर मतलब जलसी हो जूगी, बोयज का की होगा अपनी मदर नाल, मदर नाल की होगा एक तरह का अट्रैक्शन देखने को मिलेगा, अट्रैक्शन एक तरह का अट्रैक्शन होगा मदर नाल, ते फादर नाल एक तरह की होगी, फादर नाल जलसी होगी, ओडीपस फादर नाल जलसी होगी। ये जलसी केड़ी होगी, इनू आपां कास्ट्रेशन जलसी बोलते हैं, कास्ट्रेशन जलसी, कास्ट्रेशन एंजाइटी बोलांगे आपां, कास्ट्रेशन एंजाइटी, ये कास्ट्रेशन एंजाइटी हो जूगी। ठीक है, इस तरह गर्ल्स का की होगा, गर्ल्स का यानी कि ओडीपस ते इलैक्ट्रा दे विच तुहानूं आ जाए क्वेश्चन, किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, जिहड़ा सेम सैक्स पेरेंट्स है उहदे नाल जलसी हुंदी है, ते अपोजिट सैक्स पेरेंट्स, अपोजिट सैक्स पेरेंट्स नाल की होगा एक तरह का अट्रैक्शन होगा, बोयज का अट्रैक्शन मदर नाल होगा, तो गर्ल का अट्रैक्शन फादर नाल होगा। तो बोयज की जलसी किहदे नाल होगी, फादर नाल होगी, तो गर्ल्स की जलसी जिहड़ी होगी वह मदर नाल होगी। और इस तरह की यह जिहड़ी फीलिंग है यह अनकॉन्सियस होगी, अनकॉन्सियस आपां इहनूं अनकॉन्सियसली बोलदे, अनकॉन्सियस होगी। ठीक है, इलैक्ट्रा की होगा गर्ल दे विच होगा, तो किस तरह की फीलिंग होगी, फादर दे नाल अट्रैक्शन होगा, तो मदर दे नाल की होगी एक तरह की जलसी देखने को मिलेगी। किस तरह की जलसी, इहनूं आपां बोलदे हां आपां पैनिस एनवी, इहनूं आपां पैनिस एनवी बोल देंगे, मदर दे नाल जिहड़ी जलसी होगी उहनूं पैनिस एनवी बोल देंगे। ठीक है भाई, इह की हो गया फैलिक स्टेज, ओडीपस आ गया, इलैक्ट्रा आ गया, एक आ गया ओडीपस, एक आ गया इलैक्ट्रा। ठीक है, फिर आप नैक्सट पॉइंट से जाइए, नैक्सट आप डिस्कस करते हैं, नैक्सट अपनी स्टेज आ गई द लेटेंसी स्टेज, लेटेंसी स्टेज, लेटेंसी स्टेज, ज लेटेंसी स्टेज है यदि एज हो जूगी 6 साल तो लैके 12 साल तक। इतने कोई किसी तरह की लिबिडो नहीं देखने मिलेगी, यानी कि सैक्सल डिजायर्स किसी तरह की, सैक्सल डिजायर्स की तुम पूछ ले सब तो घट कि स्टेज लेटेंसी होगी। एक होर थोड़ा ध्यान दो, ये वाली जी स्टेज है ये लिबिडो का सेंट्रल पॉइंट पूछ ले, तो ये बच्चों अपने सैक्सल ओरगन जोड़े है मतलब सैक्सल ग्लैंड डिवेलप होनी स्टार्ट हो जाती है, तो बच्चों का सैक्सल लिबिडो का सेंट्रल पॉइंट है उन्होंने सैक्सल ओरगन हो जाते,
फैलिक स्टेज दे विच लिबिडो दा सेंट्रल पॉइंट सेक्सुअल ऑर्गन ही हो जांदे। नेक्स्ट होगी जे तुहानू क्वेश्चन आ जाए कि सब तो घट सेक्सुअल डिजायर्स कित्थे होगी, तो कित्थे होगी, लैटेंसी स्टेज च होगी। इहनू आपां स्कूलिंग एज कह सकते हैं, बच्चे की है नवीं नवीं चीज़ां सीखते हैं, ये स्कूलिंग एज भी कह सकते हैं, ठीक है, नवीं नवीं चीज़ां सीखते बच्चे, तो बच्चों का ध्यान कितने होगा, सेक्सुअल डिजायर्स से ध्यान नहीं होगा बच्चे का, बच्चे का ध्यान होगा तुहाडा खेलन विच होगा, प्लेइंग च होगा, होर किहदे च होगा, रीडिंग च होगा, पढ़न च ध्यान होगा, होर कादे च ध्यान होगा, पेंटिंग मतलब कंस्ट्रक्टिव वधिया वधिया काम बच्चे सीखते हैं करते हैं, इन्हां राही बच्चे जिहड़ा मतलब सेक्सुअल डिजायर्स आपां कह दांगे सबलीमेट हो जूगी, आपां बोल दांगे सबलीमेशन हो जांदा, सेक्सुअल डिजायर्स सबलीमेशन, ये सेक्सुअल डिजायर सबलीमेट हो जाती है, ठीक है भाई। ये आ गई अपनी लैटेंसी स्टेज, ये तो बाद आप गल करते हैं, सारी करा देना, ये तो बाद कल आप ईगो डिफेंस मैकेनिज्म करांगे, ये तो बाद लास्ट स्टेज रह गई, इसनू बोलते हैं द जेनिटल स्टेज। जेनिटल जिहड़ी स्टेज है ये की होगा, एज आजूगी 12 साल तो लैके 18 साल, अडल्सन स्टेज होगी, अडल्सन स्टेज होगी, हाँ जी हाँ, स्टडी वल ध्यान होगा। अडल्सन स्टेज के जेनिटल स्टेज के देखोगे इन आप दो पार्ट से डिवाइड कर लें, एक तो ये की होगा बच्चे का फिजिकल डिवेलपमेंट पूरी तरह, फिजिकल मैच्योरिटी आजूगी, फिजिकल डिवेलपमेंट हो जूगा, सैक्सल ग्लैंड्स से सैक्सल ऑर्गन पूरी तरह डिवेलप हो जाते हैं, इन्हों दो पार्ट से वंडांगे आप, एक 12 साल तो लैके 15 साल हो जूगा, एक 15 साल तो लैके 18 साल हो जूगा। 12 साल तो लैके जिहड़ा 15 साल है इन्हों आप बोल देंगे होमोसैक्सुअलिटी स्टेज, होमोसैक्सुअलिटी स्टेज, ये जी 15 साल तो 18 साल तो बोल देंगे, इन्हों बोल देंगे आप हैट्रोसैक्सुअलिटी स्टेज। होमोसैक्सुअलिटी की होगा, हुण थोड़ा ध्यान दो, होमोसैक्सुअलिटी बोयज जिहड़े है इस उम्र के बोयज का अट्रैक्शन बोयज नाल होगा, अट्रैक्शन का मतलब होगा बोयज बोयज नाल गल करके कंफर्ट फील करते हैं, बोयज बोयज नाल गल करके कंफर्ट फील करेंगे, इस तरह से की होगा गर्ल्स का अट्रैक्शन, गर्ल्स जिहड़ी है वो गर्ल्स नाल, यानी कि गर्ल्स की फ्रेंड गर्ल्स ही होगी, उन्होंने की होगा मतलब होमोसैक्सुअलिटी का मतलब गर्ल्स दी फ्रेंड सर्कल च गर्ल्स होगी, बॉयज़ दी फ्रेंड सर्कल च बॉयज़ होणगे, ठीक है, यानी कि बॉयज़ का अट्रैक्शन बॉयज़ नाल ते गर्ल्स का अट्रैक्शन गर्ल्स नाल। इस तों बाद हैट्रोसैक्सुअलिटी च की होजूगा, बच्चों का बॉयज़ का अट्रैक्शन की होजूगा गर्ल्स नाल हो जाता है, तो गर्ल्स का अट्रैक्शन बॉयज़ नाल देखने को मिलेगा हैट्रोसैक्सुअलिटी। ये हो गया तुहाडा सिगमंड फ्राइड, हाँ यस भाई, होमोसैक्सुअलिटी गर्ल्स वाल होएगा, यस। ये आ गया अपना सिगमंड फ्राइड की थ्योरी, केड़ी पढ़ रहे हैं आप, सिगमंड फ्राइड की थ्योरी पढ़ ली, सिगमंड फ्राइड की थ्योरी आप अगे भी पढ़ा, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है वो कल करा, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है वो आप कल करा, अज आप इन्ना ही पढ़ा, ओके राजे, तो नाले एक लाइक एंड शेयर भी कर दिया करो, वीडियो में सबसक्राइब भी कर दो चैनल में, तो कोई भी बच्चा जो ऐप परचेज करना चाह रहा है वो बच्चा जल्दी तो जल्दी कर ले राजे, फिर देखो पता ही की है, पेपर अप्रैल से भी हो सकता, मई से भी हो सकता, तो पेपर हो सकता 2 महीने अगे भी चल जाए, जे पेपर अगे भी चल गया तो भी अपना इसे मतलब क्लासा जीडिया कंटिन्यू रहनगियाँ, तो क्लासा कंटिन्यू रहन इस करके ज़्यादा तो ज़्यादा जरा सहयोग करोगे साडा, ये सहयोग ना ही सारा सिस्टम चलना, ठीक है भाई, तो जरूर तुसी सहयोग करो, ओके राजे, थैंक यू, मिलते हैं कल।